आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे के बारे में। तुलसी एक बहुत ही गुणकारी पौधा है जो कि भारत के अधिकांश घरों में पाया जाता है। यह औषधीय गुणों से भरा होता है। यह बहुत सी बीमारियों में जैसे स्किन इन्फेक्शन, सर्दी खांसी, तनाव, पेट और गुर्दे से संबंधित बीमारियों में काम आता है। यह एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी काम करता है जो कि शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इस वीडियो में हम तुलसी के काढ़े बनाने जा रहे हैं जिसमें इस्तेमाल की गई और भी सामग्री आसानी से हर घर के किचन में होता है। आज हम बनाने जा रहे हैं तुलसी का काढ़ा। उसके लिए हमने ले लिया सबसे पहले कुछ तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, दालचीनी के पाउडर, कुछ अदरक, कुछ नमक, लौंग, इलायची और एक गिलास पानी। इसके बाद हम सारे चीज को लेके पानी में बॉईल करेंगे। अब हम एक पैन ले लिए हैं, पैन में एक गिलास पानी डाल के गर्म करेंगे कुछ देर के लिए। पानी को कुछ देर गर्म होने देंगे। अब हम सारे चीज को डालकर बॉईल करेंगे। गोल मिर्च पाउडर, दालचीनी, अदरक, तुलसी के पत्ते, इलायची पाउडर, लौंग, नमक। डालकर अच्छे से हम इसको मीडियम टेम्परेचर पर बॉईल करेंगे और यह तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये कि आधा गिलास पानी ना हो जाए। बीच बीच में पानी का लेवल चेक करते रहेंगे और लगभग आधा हो जाने पर इसे छान लेंगे। ये देखिए हमारा पानी का लेवल आधा हो चुका है, इसको हम छान लेंगे। देखिए हमारा पानी बॉईल होके आधा गिलास हो गया है। अब इसमें हम आधा चम्मच शहद मिलाएंगे। देखिए हमने शहद मिला दिया है, इसे अब पी सकते हैं। ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है जो कि सर्दी खांसी के लिए काफी उपयोगी है। यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबा दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।